सोनीगांव क्षेत्र के एक लापता युवक की चाकू मारकर हत्या करने की घटना सामने आई है। चैताला बाजार इलाके में सोमवार सुबह 7 बजे उसका शव मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। सूत्रों के अनुसार मृतक का नाम भोजराज रामेश्वर डोमड़े है। पुलिस के अनुसार प्रतापनगर पुलिस को सोमवार को नाले में एक युवक के शव के पड़े होने की सूचना मिली थी। शव की शिनाख्त के बाद पुलिस को जानकारी मिली कि शव भोजराम डोमड़े का है और वह सोनेगांव थाना क्षेत्र में रहता है। छोटे पोले की रात 10 बजे अज्ञात आरोपित ने भोजराज का अपहरण किया गया था। सोनेगांव की सीमा में उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद शव को जैताला बाजार स्थित नाले में फेंक दिया गया। इस मामले में प्रतापनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। भोजराज की पत्नी ममता ने सोनेगांव थाने में पति के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस ने भोजराज का पता लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। वीकेबी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोगड़े के साथ वैदही चौहान की रिपोर्ट। काल रोजी एक अनिरुद्ध उर्फ अनिल रामेश्वर डोमड़े यांनी एक तक्रार दिली की त्यांचे भाऊ हे दिनांक 27 पासून मिसिंग आहेत आणि त्यांनी तशी तक्रार सोनेगाव पोलिसांना दिली होती। त्याच्या तपासामध्ये तात्काळ वरिष्ठ अधिकारी डीसीपी डिटेक्शन श्री चिन्मय पंडित साहेबांच्या आणि सी पी साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली साऊथ रिजन श्रीमती वीणा जैन मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली पी आय प्रतापनगर श्री बिताडे साहेब, पी आय सोनेगाव श्री सागर साहेब, आमची टीम, क्राईमची टीम आणि सर्वजण घटनास्थळी पोहोचले। तिथे एक डेड बॉडी अर्धवट कुजलेल्या परिस्थितीमध्ये आढळली आणि नंतर त्याचं लक्षात आलं की ते अननॅचरल डेथ आहे। तात्काळ त्याच्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि गुन्हा दाखल केल्यानंतर वरिष्ठ अधिकारी सतत मार्गदर्शन करत होते। मान्य डीसीपी डिटेक्शन श्री पंडित साहेब हे सकाळपासून रात्री उशिरापर्यंत कंटिन्युअस इथं आम्हाला थांबून त्यांनी वेगवेगळ्या तपासाच्या सूचना दिल्या। तपासाच्या वेगवेगळ्या टीम्स बनवण्यात आल्या, त्याच्यामध्ये फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स, पोलीस स्टेशनच्या डीबीजी टीम, PSI सॅमसंग वार चंद्रमणीजी आणि संपूर्ण पोलीस स्टेशनची डीबीजी टीम, क्राईमच्या वेगवेगळ्या टीम्स तयार करण्यात आल्या। तपासामध्ये जे जे करणं शक्य होतं, ट्रॅडिशनल तपास आणि मॉडर्न तपास, मॉडर्न तपास म्हणजे त्या मयताचा मोबाईल नंबर, त्याचे CDRs आणि ट्रॅडिशनल म्हणजे गुप्त बातमीदारामार्फत किंवा नातेवाईकांमार्फत विचारपूस, या सर्व बाबींचा अवलंब करण्यात आला आणि किमान आवश्यक काळामध्ये 2 आरोपी अटक करण्यात आलेले आहेत, सुनील बयेकर आणि उमेश दमाहे। तिसऱ्या आरोपीलासुद्धा ताब्यात घेण्यात आलेलं आहे आणि अनैतिक संबंधातून हे कृत्य घडलं असावं असं प्रथमदर्शनी आतापर्यंतच्या तपासात उघडकीस आलेलं आहे। वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास चालू आहे। आरोपींना PCR प्रोड्यूस करण्यात आलेले असून त्यांची PCR घेण्यात येईल आणि आवश्यक तो पुरावा गोळा करून चार्जशीट करण्यात येईल। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।